अलकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल आई होप आप सब लोग फाइन शाइन होंगे अच्छा जी विंटर्स के ड्रेसिस तो आना शुरू हो गए हैं और सोचा आपके साथ में जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दूँ बिकॉज लेटेस्ट ही मैंने जो फ्रेश अपलोड किया था जे डॉट बुनजा सतंगी और खाड़ी की विंटर शॉपिंग अपना जो शॉपिंग हॉल वीडियो था ये उसी के अकॉर्डिंग है कुछ सूट्स तो वन बाय वन करके आ गई हैं और अच्छा जी ये सूट तो बहुत ही सिंपल प्यारा ब्यूटीफुल सा था लेकिन इसको मैंने थोड़ा बहुत फॉर्मल लुक और भी देनी थी क्योंकि अगर बिल्कुल ही हम इनको सिंपल रहने देना तो उसकी इतनी ज़्यादा लुक्स नहीं बनती अब देखें इसका मैंने इस तरह से ये राउंड सा नेक बनवाया है ठीक है बहुत ही खूबसूरत सा ये इस तरह से बनवाया है आई होप कि आपको क्लियरली यहाँ शो भी हो रहा है और इसके साथ ना मेरी ये थोड़े से बटन्स का टच दिया है टू गिव इट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुक ठीक है नहीं तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकती थी और अब आप देख सकते हैं इसमें ना ये मैंने एम्ब्रॉयडरी uh, थी तो इसी के साथ इसका कलर ब्रेक करने के लिए ना थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें इस तरह से ये बीडेड से बटन्स हैं जो मिलते हैं ये थोड़ा सा हैंगिंग है लेकिन मैंने इनको ना स्टिच करवा के इस तरह से सेटिंग इनकी करवाई है कि ज़्यादा ये हैंगिंग्स में ना आए क्योंकि एलिगेंट और फॉर्मल लुक जो होती है ना वो ज़्यादा इस तरह से ओश पोश और लश पश अगर हम ड्रेस को बना देते हैं तो वो भी फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सो तो आप देख सकते हैं कि कितना ख़ूबसूरत लग रहा है ये अच्छा अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने जो आर्टिकल्स बताए हैं वो तो अभी फ़्रेश और लेटेस्ट कलेक्शन में नहीं है तो देखें आप लोगों को मैं इसीलिए टाइम के साथ साथ वन बाय वन करके लेटेस्ट वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा देर ना हो लेकिन ऑफकोर्स आप सब जानते हैं कि टेलर्स हजरात बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और तो एनी अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका सिंपल सा मैंने जो नेक रखवाया ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और क्योंकि इट्स uh, सेल्फ ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट था जे डॉट के कलेक्शन का मैं आई बटन पर भी लिंक लगा दूंगी शॉपिंग हॉल वीडियो का आप लोग पहले उसको भी चेकआउट कर सकते हैं ये जो सूट है अभी भी जे डॉट के कलेक्शन में अवेलेबल है ठीक है अच्छा जी अब आ जाते हैं इसके थोड़े से दामन की तरफ ये था इसका इस तरह से फुल शर्ट का दामन क्योंकि ये मैंने ए लाइन शर्ट बनवाई है तो ये देखिए इस तरह से ए लाइन इसका मैंने सारा पैनल फ्रंट एंड बैक का बनवाया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इसका खूबसूरत सा एक घेर वाला फैब्रिक था कपड़ा बहुत ज़्यादा था इसकी जो स्लिट्स है ना मैंने इनको इसी तरह से रहने दिया इसके ऊपर मैंने और कोई भी फर्दर वर्क नहीं करवाया ना इस पर मैंने इंटरफेसिंग करवाई है ना पाइपिंग लगवाई क्योंकि पाइपिंग भी हर फैब्रिक पे हर डिज़ाइन में अच्छी नहीं लगती ठीक है ना तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करती जाऊँ अच्छा देखें ये इसके साथ इसका इट्स सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड पैच था ठीक है अब अगर मैं इसको कटवर्क करवाती मतलब जो मशीन वर्क होता है अगर मैं वो बनवा लेती इसके ऊपर तो इसकी कोई ग्रेस ना बनती क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी सी ना पट्टी सी थी बहुत ज़्यादा था ये सो मैंने इसे फ्रंट बैक और स्लीवस पर यूज़ किया है और इसके साथ ना ये देखें इस तरह से गुम लेस का टच दिया है इंटरफेसिंग इसकी इस तरह से करवाई है और ये खूबसूरत सा मल्टी कलर का ही गोटा इसके साथ मैंने लगवाया है जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ठीक है ना तो ये है जी इसका दामन और स्लिट्स मैंने बिल्कुल प्लेन रखवाई हैं क्योंकि ये ए लाइन शर्ट थी बहुत ही खूबसूरत इसका ना लुक बहुत अच्छा बन गया था और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट था सो दैट्स वाई ना मैंने इसके ऊपर ज़्यादा इचर पिचर नहीं की क्योंकि इट्स सेल्फ जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और जब हम उस पर ओवर डिजाइनिंग करते हैं तो उनकी जो ग्रेस होती है जो एलिगेंसी होती है ना वो थोड़ी सी आ, मतलब माइनर हो जाती है तो ये रहा इसका फ्रंट और अब मैं आपको बताती हूँ इसका बैक जी तो बैक साइड भी बिल्कुल इस तरह से राउंड नेक के साथ है खूबसूरत सा मशीन राउंड नेक है अच्छा कुछ लोग इसको हेमिंग के साथ भी बनवाते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है जो फैब्रिक क्वालिटी है ना जो फैब्रिक का स्टफ़ है वो मरीना है माय फेवरेट लेकिन एक चीज़ है कि मरीना अगर आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत ग्रेसफुल होता है उसमें इतनी ज़्यादा सिल्वट्स नहीं बनती क्रीस नहीं बनती ठीक है और कुछ मरीना ऐसे होते हैं जिनमें सिल्वट बनती है अच्छा जी इसकी बैक साइड पर देखें इधर भी ना मैंने ये सारा इस तरह से इसके साथ जो इट्सल एम्ब्रॉयड पैच था ना उसको इसी तरह से बैक साइड पर भी बनवाया है ये बहुत ही खूबसूरत सा अम्ब्रेला और ए लाइन शर्ट का लुक है ये देख सकते हैं आप इस तरह से सेम यही डिज़ाइन फॉलो करते हुए आप अपनी टीन एजर गर्ल्स का बच्चियों का बना सकते हैं ड्रेस क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स पर ना इस तरह से छोटी छोटी जो माइनर सी डिटेलिंग होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और अब बताती हूँ मैं आपको इसकी स्लीव्स अच्छा जी तो ये है इसकी इस तरह से स्लीव बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थोड़ा सा बॉक्स स्टाइल में सिंपल सा स्लीव बनवाया है क्योंकि वि विंटर्स हैं तो देखें विंटर्स में ना हम जितना भी डिटेलिंग नेक लाइन पर कर लें स्लीव्स पर कर रहे हैं उसको ना जर्सी में स्वेटर्स में छुप जाना होता है ठीक है एक जस्ट मेरा अपना एक आइडिया है आपके साथ मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ कि अगर मुझे जर्सी स्वेटर्स वगैरह यूज़ करने होता है ना डेफिनेटली इतनी ज़्यादा ठंड आ चुकी है अब हमारे पाकिस्तान में भी तो उसके अकॉर्डिंग ना मैं बहुत ही माइनर सी डिटेलिंग करवाती हूँ स्लीव्स पर और नेक लाइन्स पर तो ये देखिए इसकी स्लीव में मैंने इस तरह से ये सेंटर लेस लगवा ली इसी के ही गोल्डन से थोड़ा बहुत मैच और ये देखिए इस पर भी ना मेरे इसी तरह से इंटरफेसिंग के थ्रू गुमलेस इस तरह से इसका गोटा का टच लगवाया है और ये ही सेम इसका यहाँ पर मैंने कर दिया है जो इसका पैच था साथ में एम्ब्रॉड तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है बिल्कुल सिंपल सा सूट अगर मैं इसको रहने देती तो रह सकता था लेकिन इसकी उस तरह से एक खूबसूरत सी लुक ना बनती जितनी इसकी इसके साथ ना थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ बन गई है अच्छा जी अब मैं आपको इसकी शॉल शेयर करती हूँ हाँ जी तो ये थी इसकी शॉल ये बहुत ही खूबसूरत इसकी पश्मीना शॉल थी पश्मीना वुल शॉल है जिकार्ड स्टफ़ इसका इस तरह से ये प्रिंट है ग्लिटरी शिमरी सा इसका बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट है और ये देखिए इस पर ऑलरेडी ये गोटा बिल्कुल रेडीमेड था इसी वजह से ये सूट मैंने लिया था बहुत ही ख़ूबसूरत इसका कंट्रास्ट है इसमें दूसरा कलर था ब्लू ब्लू ख़त्म हो चुका था लेकिन ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल था और विंटर्स में ना इस तरह के जो कलर्स होते हैं बड़ा अपीलिंग लगते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं तो ये इस तरह से है जी, इसकी शॉल ठीक है बहुत ही खूबसूरत इसकी शॉल थी इसके ऊपर भी मैं चाहती तो इसी तरह से आ, कुछ बटन्स या लटकन्स वग़ैरह बीडेड लगवा सकती थी लेकिन मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं करने दिया बिकॉज क्यों इसकी एक रीज़न भी है हम अगर आ, समर्स के दुपट्टों पर इस तरह की डिटेलिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन अगर हम विंटर्स की शॉल या हैवी दुपट्टों पर इस तरह की डिटेलिंग करते हैं ना तो वो जब हम आ, मतलब हमारे घूमने फिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं कहीं ना कहीं वो जो लटकनज होते हैं ना वो फंस जाते हैं ठीक है तो इस वजह से ना मैंने इसकी शॉल को एज़ इट इज़ रहने दिया है क्योंकि ये इट बहुत ही ब्यूटिफुल थी तो जी ये है इसके साथ शॉल और जनाब इसके साथ मैंने हेमिंग करवाई है ट्राउज़र के ऊपर यहाँ से पेंटेक्स डलवाए हैं थ्री फोर फाइव सिक्स आप करवा सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पेंटेक्स या स्केलब्स बनवाएं तो थोड़ा सा ना इंच दो इंच का ज़रूर गैप दें क्योंकि उससे एक उठान बनती है बहुत अच्छा लगता है पौचे पर इस तरह के डिज़ाइन जब आप हेमिंग से थोड़ा सा गैप के साथ बनवाते हैं ठीक है तो ये इस तरह से इसकी बहुत ही खूबसूरत सी ये मैंने यहाँ पर हैमिंग करवाई है मुझे ट्राउज़र्स ना हैमिंग पसंद है जिसको तुरपाई कहते हैं तो ये इस तरह से पेंटिक्स मैंने डलवाई हैं बाकी का ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा है और क्योंकि ये मरीना सूट है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आयरन के बाद ना बहुत ही लशपश और बड़ा शाइनी सा हो गया था और मेरा यही मकसद होता है जब आप लोग मेरे इस तरह के वीडियोज़ को पसंद करते इनक्रेज करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स भी मुझे शेयर किया करें कि आपको मेरी इतनी एफर्ट का वीडियो और जो मेरे आइडियाज़ हैं स्टिचिंग डिज़ाइनिंग के वो कैसे लगते हैं ठीक है Uh, कोई नहीं इतना ख़ास होता थोड़े से बिल्कुल कैजुअल से भी अगर सूट को हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं माइनर सा तो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक बन जाती है काफ़ी अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है ठीक है तो मेरा मकसद भी यही होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे अच्छा लगता है और जब आप लोगों को कुछ पसंद आता है कोई मेरा वीडियो कोई मेरा डिज़ाइन तो मेरे लिए बहुत ऑनर्ड होता है और आपके जो कमेंट्स हैं आपकी जो लव है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो आप लोग मुझे दो में भी ज़रूर याद रखा करें और आज का वीडियो अब मैं करती हूँ यहीं पर एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा पसंद आए तो मेक श्योर लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है जो ओवरसीज़ सब्सक्राइबर्स हैं तो उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स जो मुझे इनक्रेज करते हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय